मैं गरिमा सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल द परफेक्ट पैलेट बाय गरिमा में। हम आज बनाने वाले हैं एकदम रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक, आइस ग्रीन टी विथ कोकोनट वाटर। आप भी इसे ज़रूर बनाइए, ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है और एकदम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाला है, बहुत ही टेस्टी सा ड्रिंक है। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं आइस्ड ग्रीन टी विथ कोकोनट वाटर। इसके लिए मैंने लिया है 2 लेमन फ्लेवर की ग्रीन टी, मैंने लिया है 1 गिलास कोकोनट वाटर, 1.5 कप मैंने लिया हुआ है पानी, और मैंने 2 चम्मच के करीब नींबू का रस लिया हुआ है, और मैंने हनी लिया हुआ है, और मैंने कुछ फ्रेश मिंट लीफ भी ली हुई है। तो सबसे पहले हम ग्रीन टी बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी बॉईल करेंगे, फिर उसके बाद आगे का प्रोसीजर करेंगे। अब हम 1.5 कप पानी को अच्छे से बॉईल करेंगे। बॉईल होने के बाद हम उसे ग्रीन टी के सैशे डाल के ठंडा करेंगे। हमारा पानी बढ़िया से बॉईल हो रहा है, अब हम इसमें ग्रीन टी बैग्स डालेंगे। मैंने 2 ग्रीन टी बैग लिए हुए हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने लेमन फ्लेवर लिया हुआ है, आप प्रिफर करें कि लेमन फ्लेवर ही लें, क्योंकि हम जो ग्रीन टी बनाने वाले हैं वो लेमन फ्लेवर की बनाने वाले हैं विथ कोकोनट वाटर। तो आप प्रिफर कीजिए कि लेमन फ्लेवर लें। अगर आपको वो ना मिले तो आप अपनी चॉइस का कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। अब हम अपने ग्रीन टी को अच्छे से गर्म पानी में इन्फ्यूज़ करेंगे, उसके बाद इस टी को हम अच्छे से ठंडा करेंगे। तो अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। हमारी ग्रीन टी तो एकदम तैयार है, तो अब हम बनाते हैं इसकी आइस्ड ग्रीन टी विथ कोकोनट वाटर। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी आइस क्यूब्स डाल देंगे, थोड़ा सा मिंट भी डाल देंगे। अब हम अपनी ग्रीन टी डालेंगे जो कि मैंने लेमन फ्लेवर के लिए हुई है। थोड़ा सा हम लेमन भी डाल देंगे, लेमन जूस, कुछ हम कटे हुए लेमन के टुकड़े डाल देंगे। अब हम थोड़ा सा कोकोनट वाटर डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा हनी डाल देंगे। वैसे तो कोकोनट वाटर ऑलरेडी थोड़ा सा स्वीट होता है, लेकिन आप थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं। अगर आप हनी पसंद नहीं करते तो आप थोड़ी सी शुगर भी डाल सकते हैं। हनी या शुगर, जो भी आप स्वीटनर यूज़ करते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। लीजिए, हमारी आइस्ड ग्रीन टी विथ कोकोनट वाटर एकदम रेडी है। आप भी इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। कैसी बनी आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।